Hi everyone, welcome back to my channel Parif Half Style. I hope all are doing well. If you are new here, please subscribe my channel and share my video. Do also follow me on Instagram. My Instagram handle is Parif Half Style. So without any further ado, let's get started. So आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी बेसिक स्किन केयर जो कि है टोनर. सबसे फर्स्ट टोनर क्या है, हम क्यों टोनर यूज करते हैं, टोनर ना यूज करने का क्या नुकसान है, अगर यूज करूंगी तो क्या फायदा है टोनर का, क्या हम टोनर घर पे बना सकते हैं. नेक्स्ट, क्या सच में टोनर एसेंशियल है हमारे स्किन के लिए. सारे जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहा है, सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी. तो प्लीज आप वीडियो के एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है. एंड नेक्स्ट लास्ट में एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आप घर पे भी टोनर बना सकते हो जस्ट फॉर 5 रुपीज. तो सारे क्वेश्चन आंसर के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा. तो चलिए वीडियो एंजॉय कीजिए. सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज टोनर. तो टोनर जो वर्ड है ये टोनिक प्लस वाटर से आया है. टोनर वर्ड, टोनर का मतलब है कि आपका स्किन को मेकअप रिमूव करने के बाद भी जो भी डर्ट पॉल्यूशन जो मेकअप आपके स्किन में बचा कुचा रह जाता है उसको क्लींस करता है टोनर. टोनर को जो है बहुत सारा फैंसी नाम दिया गया है, हाइड्रेटिंग मिस्ट, टोनर, फेस मिस्ट, बहुत सारा फैंसी नाम दिया गया है. बट टोनर टोनर ही होता है. मॉइस्चराइजर टोनर का काम नहीं कर सकता, फेस सीरम टोनर का काम नहीं कर सकता. इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि फेस टोनर एंड फेस सीरम एक ही चीज है. नहीं, दो अलग अलग चीजें. आपको फेस टोनर यूज करने के बाद ही बाकी सारा स्किन केयर जो अपना स्टेप्स जो है कंटिन्यू करना है. अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है टोनर हमारा स्किन के लिए. सबसे फर्स्ट जो काम करता है टोनर वो है हमारे स्किन का पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है. हमारे फेस में हम इतना ज़्यादा मेकअप यूज करते हैं, इतना हम बाहर जाते हैं, पॉल्यूशन आता है, इससे हमारे स्किन का जो पीएच बैलेंस है वो पूरा बिगड़ जाता है. तो टोनर जो है पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है. एंड पीएच बैलेंस अगर इधर उधर हुआ तो आपके स्किन का बैंड बच जाएगा, आपको एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है पीएच बैलेंस को मेंटेन करना स्किन में. एंड पीएच बैलेंस को मेंटेन का इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है टोनर. तो याद रखिए, हमेशा से आपको टोनर अप्लाई करना ही है. आपको सीटीएम जो रूटीन है स्किन केयर का, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये आप जितना भी स्किन केयर फॉलो कर लो, किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट का जो है स्किन केयर उठा लो, सारे स्किन केयर का मेन फंडा एक ही है, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग सीटीएम. सो आपको टोनिंग मस्ट करना ही है. नेक्स्ट जो काम है टोनर का, टोनर जो है आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है. इससे क्या होता है, आपके फेस पे जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाता है. इसके बाद जब आप मेकअप करते हो, बाहर जाते हो, तो पॉल्यूशन, मेकअप ये सब आपके पोर्स के अंदर नहीं जाता है. इससे आपको स्किन को बहुत ज़्यादा जो हार्म नहीं होता है मेकअप से या पॉल्यूशन से. तो ये है टोनर का नेक्स्ट वर्क. एंड नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो काम है टोनर का, वह टोनर आपके फेस को नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है प्रिपेयर करता है. आप अगर मॉइस्चराइजिंग करोगे तो उससे पहले आपको टोनर यूज करना है. अगर मेकअप भी यूज करोगे तो सबसे फर्स्ट आपको टोनर ही यूज करना है. एंड टोनर से बेस जो है बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाता है. टोनर आपके फेस में मॉइस्चराइजर को जो है लॉक करके रखता है. टोनर आपके स्किन का जो डेड सेल्स है उसको जो है रिपेयर करता है. इससे आपका स्किन हेल्दी लगता है, ग्लोई ड्यू लगता है एंड ऑल्सो स्किन हाइड्रेट भी होता है टोनर लगाने से. अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है एंड आपका स्किन में ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, आपका पोर्स जो है क्लॉग हो रहा है, तो इसमें टोनर मस्ट है. आपको टोनर लगाना चाहिए. टोनर जो है पोर्स को मिनिमाइज करता है. इससे जो है पोर्स जो है क्लॉग हो जाता है, जिससे आप जब मेकअप एंड वगैरह यूज करते हो अपने फेस में तो वो जो प्रोडक्ट है केमिकल वाला वो सारा आपके फेस के अंदर नहीं जाता है. टोनर जो आपके फेस को प्रोटेक्ट करता है. ये तो आपने सुना टोनर यूज करने का क्या क्या फायदा है. अब टोनर नहीं यूज करने का क्या नुकसान है. अगर आप नहीं यूज करोगे तो आपके स्किन में ऑटोमेटिकली ओपन पोर्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा. हम सब जो है अपने फेस में मेकअप यूज करते हैं तो उसकी वजह से या बाहर जा रहे पॉल्यूशन की वजह से आपका जो पीएच बैलेंस है बिगड़ जाता है, वो जो है बैलेंस नहीं होगा. इसकी वजह से आपको पिंपल, एक्ने का प्रॉब्लम होगा, आपका स्किन हाइड्रेट नहीं दिखेगा, डल दिखेगा. जो आपका स्किन है, आपके स्किन में जो डेड सेल्स है वो कंटिन्यू होएगा, आपको रिंकल्स आने लगेगा. तो बहुत सारा जो है प्रॉब्लम आएगा आप अगर टोनर नहीं यूज करोगे तो. अब मैं बात करूंगी आपको टोनर कब यूज करना चाहिए. तो आपको क्लींजिंग के बाद टोनर यूज करना चाहिए. आप अगर मेकअप किया हुआ है आपके स्किन में तो मेकअप को उतार लो, आपका स्किन को क्लींस कर लो अच्छे से, देन आप फेस वॉश वगैरह करने के बाद उसके बाद आप टोनर को यूज कर सकते हो. आप इस टोनर को दिन में 2 बार, 3 बार,
चार बार जितना आपका मर्जी यूज कर सकते हो टोनर। मार्केट में आजकल बहुत सारा टोनर अवेलेबल है, तो इसके बाद क्वेश्चन जो आता है कि बेस्ट इफेक्टिव टोनर, एफोर्डेबल टोनर कौन सा है। तो मार्केट में जो रोज वाटर अवेलेबल है वो भी वो टोनर का काम करता है, तो आप एज ए टोनर भी रोज वाटर को यूज कर सकते हो। मार्केट में जो रोज वाटर सेल हो रहा है डाबर का रोज वाटर, उसको आई थिंक उसका प्राइस 30-40 रुपीज है, उसको भी आप एज ए टोनर यूज कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा एल्कोहल फ्री, पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री टोनर यूज कीजिए। पैराबिन, सिलिकॉन, एल्कोहल, ये सब आपके स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल जो है केमिकल है, तो प्लीज आप ये सब फ्री प्रोडक्ट यूज कीजिए। आप घर पर भी रोज वाटर टोनर बना सकते हो, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बट मैं एक सजेस्ट करूंगी आपको, आप गुड वाइब्स का रोज टोनर यूज कर सकते हो। गुड वाइब्स का ये एल्कोहल सिलिकॉन पैराबिन फ्री टोनर है एंड इसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, 130 या 120 का इसका प्राइस है। एक टोनर आपका 4 to 6 months चल जाएगा, तो आप इस टोनर को यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा वाला एक टोनर है। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, बट इफेक्टिव बहुत अच्छा टोनर है। आप इसको घर पर भी बना सकते हो। रोज पेटल्स को आप जो है सुखा के, ड्राई करके, नेक्स्ट आप उसको जो है वाटर में डीप करके रख के कुछ देर बाद उसको सोक कर लीजिए, देन आपका टोनर रेडी है। इसको आप फ्रिज में 7 to 10 days के लिए स्टोर भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप घर पर टोनर यूज कर सकते हो। इसका ऑप्शन है आप DIY टोनर घर पर भी बना सकते हो। नेक्स्ट जो टोनर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, DIY टोनर, जिसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ आपको 5 rupees लगेगा, जो कि है क्यूकम्बर टोनर। आप घर पर बना सकते हो एंड समर के लिए तो प्रॉपर अप्रोप्रिएट टोनर है। मैंने ये फ्रेश क्यूकम्बर टोनर बनाया है, एज यू कैन सी इसको मैंने स्टोर किया है, इसको मैंने स्टोर किया है। एक कामा आयुर्वेदा का जो रोज वाटर टोनर आया था, इसको ये फिनिश होने के बाद मैंने इसमें इसको स्टोर किया है स्प्रे बॉटल में। इससे यूज करना बहुत ही ज्यादा मतलब इजी होता है, बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है इससे यूज करना। तो आप इस तरीके से बहुत ही फ्रेश फील आता है, तो इस टोनर का आप यूज कर सकते हो एंड आपको इजीली इसको आप 7 to 10 days के लिए फ्रिज पे स्टोर कर सकते हो। इससे ज्यादा आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हो। इस तरीके से आपको 2-3 जो है क्यूकम्बर लेना है, उसके बाद उसको ग्रेटर के हेल्प से पूरा अच्छे से ग्रेट कर लेना है। उसके बाद आप मलमल के कपड़े के हेल्प से या स्ट्रेनर के हेल्प से उसको स्क्वीज कर लीजिए, देन उसका जूस जो है अलग कर लीजिए। देन आपका रेडी हो गया फ्रेश टोनर रेडी एंड इसको आप 7 to 10 days के लिए फ्रिज में इजिली स्टोर कर सकते हैं। एंड इसको मैं एज ए मिस्ट भी यूज करती हूँ। जब भी मैं मेकअप करती हूँ, मेकअप के बाद अगर मुझे बहुत देर बाद अगर मुझे कुछ ड्राई फील होता है, तब भी मैं इसको यूज करती हूँ एंड इससे बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग वाला फील आता है। सो अगर आप इस टोनर को घर पर नहीं बना सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 minutes में बन जाएगा, बहुत ही फ्रेश आपको टोनर मिल जाएगा। बट अगर आपके पास टाइम 5 minutes भी नहीं है, तो आप इसका ऑप्शंस ले सकते हो। बायोटिक का क्यूकम्बर टोनर आप यूज़ कर सकते हो। इसका प्राइस 120 या 130 के अंदर ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप बना सकते हो तो प्लीज़ आप इसको यूज़ करिए। बहुत ही इफेक्टिव टोनर है एंड बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्यूकम्बर चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए आपको। सो इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप 7 to 10 days के लिए रख सकते हो एंड इसको 7 to 10 days के बाद फिर से आपको बनाना पड़ेगा। बट अगर आप इसको ले रहे हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है इसको ले रहे हो, तो इसको आप, इसका सेल्फ लाइफ इसीलिए 2 years होता है क्योंकि इसमें केमिकल दिया हुआ है, प्रिजर्वेटिव वगैरह, स्टेइंग पावर वगैरह ऐड किया हुआ है, दैट्स वाई इसको हम लोग जो है 2-3 years यूज़ कर सकते हैं। बट हम इसको 7 to 10 days ही यूज़ कर सकते हैं। दैट्स बहुत ही नेचुरल है एंड इससे तो बहुत ही बेटर क्वालिटी का टोनर है। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है, आप फ्रेश यूज करना चाहते हो, प्लीज अब इसको यूज कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको जो टोनर सजेस्ट करूंगा वो है ग्रीन टी टोनर। इसको बनाना भी बहुत इजी है, जस्ट फॉर 5 minutes में बन जाएगा ये टोनर। एंड अगर आपके फेस बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ही आपको एक्नी पिंपल्स का प्रॉब्लम है, तो ये टोनर तो बिल्कुल ही आपके लिए है, ग्रीन टी टोनर। इसको भी बनाने के लिए जस्ट 5 minutes आपको चाहिए। किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताती हूँ। जस्ट ग्रीन टी लीव्स को आप बॉयल कर लीजिए, जिस तरीके से आप ग्रीन टी को पीते हो उस तरीके से बॉयल कर लीजिए। उसको ठंडा होने दीजिए, 5 minutes के लिए बॉयल कीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप उसको स्टोर कर सकते हो। अभी मेरे पास जो है स्प्रे बॉटल जो है एक भी अवेलेबल नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने इसको इसमें स्टोर किया है। तो इसमें स्टोर करने से
आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है यूज करने में स्प्रे करने, बट इससे यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको हैंड्स पे लेके इस तरीके से डैब डैब करके यूज करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम लोग टोनर यूज कर सकते करते हैं। आप कॉटन पैड पे लेकर भी यूज कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि कॉटन पैड में यूज करना प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। कॉटन पैड में हम प्रोडक्ट लेते हैं उसके बाद हम फेस पे जो है यूज करते हैं, इससे बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्ट वेस्ट होता है। सो मुझे लगता है आप डायरेक्ट फेस पे स्प्रे कीजिए एंड उसको डैब डैब इस तरीके से जो है यूज कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपके पास जो है स्प्रे बॉटल है तो आप इस तरीके से इसमें स्टोर कीजिए बॉटल में एंड हैंड्स पे लीजिए एंड डायरेक्ट इस तरीके से फेस पे डैब कर लीजिए। इससे प्रोडक्ट भी वेस्ट कम होगा एंड टोनर का जो पूरा बेनिफिट है डायरेक्ट आपके फेस पे जाएगा। नेक्स्ट जो मैं टोनर की बात करूंगी वो है बहुत ही इफेक्टिव वाला टोनर है एंड इससे आपका फेस मॉइस्चराइज भी होगा, जो कि एलोवेरा टोनर। सो एलोवेरा टोनर भी बनाना बहुत ही ईजी है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एलोवेरा प्लांट, आपके घर पर अवेलेबल होगा। अगर नहीं है तो आप मार्केट का एलोवेरा भी यूज कर सकते हो, बट अब तो आप ट्राई कीजिए कि घर का फ्रेश एलोवेरा ही आप यूज कीजिए। एलोवेरा जो टोनर है इसको आप मैक्सिमम 2 to 3 days के लिए जो है स्टोर कर सकते हो, इसको आप 7 to 10 days के लिए स्टोर नहीं कर सकते हो। बट अगर मार्केट का एलोवेरा इसमें यूज कर रहे हो तो आप 10 to 15 days के लिए इसको स्टोर कर सकते हो। सो इसको बनाना बहुत ईजी है। एलोवेरा का प्लांट लीजिए, उसके अंदर से आप पल्प निकाल लीजिए, 5 minutes के लिए बॉयल कीजिए। बॉयल करने के बाद उसको आप ठंडा होने दीजिए, देन आप बॉटल में उसको जो है स्टोर कर लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए और 2 to 3 days के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ये भी बहुत ही रिफ्रेशिंग वाला एक टोनर है जिसको मैंने स्टोर किया है इस बॉटल में सेम, क्योंकि मेरे पास एज यूजल स्प्रे बॉटल जो है नहीं था अवेलेबल, दैट्स मैंने इसमें स्टोर किया है। मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ एंड एलोवेरा टोनर जो है बहुत ही इफेक्टिव टोनर है। इससे आपका फेस जो है बहुत ज्यादा हाइड्रेट भी होता है एंड बहुत ज्यादा ड्यूवी ग्लोई सा होता है। तो एलोवेरा टोनर मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये 3 टोनर मैंने आपको दिखाया है जो है DIY टोनर, जो कि आप घर पर 5 मिनट्स में जस्ट फॉर 5 रुपीज में बना सकते हो। नहीं बनाना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसका ऑप्शंस में मैं आपको दे दिया, आप मार्केट से भी ले सकते हो इस तरह का टोनर। बट जो भी टोनर आप ले रहे हो आप मेक श्योर कि वो टोनर सिलिकॉन पैराबीन एल्कोहल फ्री होना चाहिए। सो नेक्स्ट एक टोनर है जो है प्लाम का एक टोनर, जो कि बिल्कुल अल्कोहल फ्री है, 100% अल्कोहल फ्री, पैराबिन सिलिकॉन फ्री प्लाम का टोनर, ग्रीन टी टोनर। तो अगर आपके फेस में बहुत ज्यादा पिंपल है, सेंसर्ड स्किन है, तो आप इस तरीके का इस टोनर को भी यूज कर सकते हो। इसका अलग से रिव्यू मेरे चैनल के ऊपर किया हुआ है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाकर वीडियो को चेकआउट कीजिए। मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी एंड अभी आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा। 3 टोनर आपको दिखाया है DIY टोनर, इसको मैं हमेशा यूज कर सकती हूँ, बहुत यूज करती हूँ। इसमें से आपको जो भी टोनर पसंद आए आपके स्किन के अकॉर्डिंग आप ट्राई करके देखिए। बहुत ही इफेक्टिव वाला टोनर है एंड आप इसको 1 month तक यूज कीजिए, देन मेरे साथ रिजल्ट शेयर करना। सो मुझे लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिया है, जो भी टोनर को लेकर आपके दिमाग में चल रहा होता है सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। आई होप इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो है इफेक्टिव हेयर मास्क के ऊपर, हेयर को रीग्रोथ करेगा बिल्कुल नेचुरल मास्क जो कि घर के 5 इंग्रेडिएंट से बन जाएगा। तो प्लीज आप उस मास्क को भी आप देख पाएंगे अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आप मेरे चैनल को मिक्सर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एज यू कैन सी मैंने अपना फेस को जो अच्छे से क्लीन कर लिया है, जो भी मेकअप वगैरह था सारा जो है मैंने निकाल लिया है। बट टोनर जो कि फ्रेश टोनर मैंने बनाया है उसको मैं यूज़ करूँगी। इस तरह कॉटन जो है पैड लिया है, इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे इस तरीके से यूज़ करूँगी। इसके हेल्प से जो भी डर्ट वगैरह होगा सारा जो है निकल जाएगा प्रॉपर। तो इस तरीके से आप अपने फेस को क्लीन भी कर सकते हो। वैसे मेरे फेस में कुछ ज़्यादा नहीं है खास, क्योंकि मैंने अच्छे से क्लीन किया हुआ है। बट अगर आप थोड़े देर बाद फेस को मतलब थोड़ा बाहर जाके फेस को अगर क्लीन करेंगे इस टोनर से, बहुत ही अच्छे से प्रॉपर आपको नज़र आएगा डिफरेंस। एज यू कैन सी थोड़ा बहुत जो है निकला है। एंड नेक्स्ट मैं अपना फेस पे टोनर अप्लाई करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी एक ग्रीन टी टोनर, जो कि DIY टोनर है, जो कि मैंने खुद घर पर बनाया है। इस टोनर को यूज़ करूँगी। आप कोई भी मार्केट का टोनर, मैंने बहुत सारा आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यूज़ कर सकते हो आप। बस अपने हैंड्स पे लूँगी थोड़ा सा, इससे ना प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, बट कोई बात नहीं, घर का है हम फिर बना लेंगे, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इससे प्रोडक्ट। तो उसको मैंने लिया इसे हैंड पे
एंड इसको डैब डैब करके मैं अपने स्किन पे पूरा जो एब्जॉर्ब करवाऊंगी, अच्छे से पूरे एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन ये ड्राई होने के बाद यूज़ करूँगी ये क्यूकम्बर टोनर, जो कि मैंने स्टोर करा हुआ है कामा आयुर्वेदिक के स्प्रे बॉटल में, बट इसमें है क्यूकम्बर टोनर, इसको मैं यूज़ करूँगी। इसका ना थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आता है, तो मुझे ना समर में इसको यूज़ करना बहुत ही अच्छा लगता है एंड इससे बहुत ही रिफ्रेशिंग फील भी आता है, दैट्स व्हाई मैं इसको यूज़ करती हूँ। सो अब हो गया टोनर पार्ट ख़त्म, इसके बाद मॉइस्चराइज करूँगी, सीरम वगैरह जो भी यूज़ करना है उसके बाद यूज़ करूँगी। ये जो है आपके फेस के मॉइस्चराइज को लॉक कर लेगा टोनर।